बॉलीवुड की सुपरस्टार डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी, जिसके बाद खूब चर्चा हुई कि ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने मीडिया के सामने ये कहकर बातों को टाल दिया कि उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो मोहन भागवत जी से केवल फैमिली रिलेशन की वजह से मिले हुए थे। लेकिन अब जब उनकी खबरें हो गई, चर्चाएं आ गई और यहाँ तक कि रैली में भी वो पीएम मोदी के साथ शामिल हो गए, तब लोगों को लग गया कि हाँ, अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मिथुन चक्रवर्ती के बारे में वो चीज़ें जो आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, कभी मिथुन चक्रवर्ती आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। नक्सल मूवमेंट की शुरुआत करने वालों में से एक चारू मजदार मिथुन चक्रवर्ती के करीबी हुआ करते थे और मिथुन चक्रवर्ती उनसे काफ़ी प्रभावित थे। जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो मिथुन भी इसमें जुड़ गए थे। बाद में जब मूवमेंट में हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो आंदोलन में सक्रिय तमाम लोग अंडरग्राउंड हो गए थे और इनमें से मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल थे। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि नक्सलियों पर पुलिसिया कार्रवाई की वजह से मिथुन भी अंडरग्राउंड हो गए थे और लंबे समय तक छिपते रहे थे। इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती के परिवार में एक हादसा हुआ और उस हादसे में उनके भाई का निधन हो गया। ऐसे में परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मिथुन चक्रवर्ती पर आ गई। इस घटना के बाद मिथुन परिवार के बीच लौट आए और यहीं उनका नक्सल मूवमेंट खत्म हो गया। इसके बाद मिथुन पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पढ़ाई के लिए पहुंचे। हालांकि यहां भी उनके अतीत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मिथुन के पहुंचने के बाद ही नक्सल मूवमेंट में उनकी सक्रियता की खबरें वहां तक पहुंच गई थी। फिर 70 के दशक में जब वो पुणे में पढ़ाई पूरी कर करियर बनाने मुंबई पहुँचे तो वहाँ भी इसी तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ा था। मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। उन्होंने कहा कि वह नक्सल मूवमेंट पर द नक्सलाइट नाम से फिल्म बना रहे हैं और मिथुन को लीड रोल ऑफर किया है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती शुरुआत में इस रोल को एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहे थे। उनको लगता था कि इससे उन पर एक खास स्टैम्प लग जाएगा और अतीत के पन्ने खुल जाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने यह फिल्म की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल तो नहीं रही, लेकिन मिथुन ने अपने अभिनय से सभी का ध्यान जरूर खींचा।